पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुगेश सानी जी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के जनशक्ति भी हैं, जम्मू शहर के प्रभारी भी हैं, आपका मंत्री नीरज गुप्ता जी आपके साथ रहते हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज मीडिया के। आज एक इशू तो यह है कि जिस तरीके से यकायक एक कानून और एक पंचायत के बारे में नए किस्म का पदबंदी मिशन शुरू किया है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस देश के ध्यान का सपना पूरा किया था जब पंचायत राज निज़ाम पूरे देश में कायम हुआ, 73rd, और शहरों के लिए 74th अमेंडमेंट, दोनों को मिलाकर के शहर और गांव के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हम कहते हैं। पंचायत राज निजाम है, पावर टू द पीपल एट ग्रास रूट लेवल। उसके तहत जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे मुतवातर कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रगल करती रही, और जब जब भी हम कोलिशन गवर्नमेंट में आए हमने 73rd के बहुत सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर के पंचायत राज नाम में लगाए। मैं आपको याद दिलाऊं कि 73rd और 74th के तहत देहात और शहर में 33% जो आरक्षण है वो 73rd की वजह से जम्मू कश्मीर पंचायत राज जाल में है। वो कांग्रेस पार्टी का जो देश भर में मॉडल है 73rd का, उसी का हिस्सा है कि आज आपको 8,000 से ज्यादा जो है वो सरपंच और पंच 8,300 के करीब आपको नजर आती हैं देहातों में, क्योंकि रिजर्वेशन है इसलिए हमारी महिलाएं सरपंच और पंच बनी। उसके बाद ये कानून जो है 2004 में हमने रिजर्वेशन का लाया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए उनको पॉपुलेशन के आधार पे ब्लॉक में जितने होती है उतने सरपंच और पंच रिजर्व किए। आज बड़ी संख्या जो है वो SC और ST जो है वो उस रिजर्वेशन की वजह से पूरे जो है वो जम्मू कश्मीर में आपको नजर आता है, शहरों के अंदर आपको काउंसलर्स नजर आती हैं, और जो कारपोरेटर्स तो काउंसलर नजर आती हैं, महिलाएं शुरू कास्ट शुरू ट्राइब। ये कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में, हम PDP के साथ भी रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी रहे, और उस दौरान में हमने तमाम ये अमेंडमेंट्स जम्मू कश्मीर के कानून में करवाई। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी यहाँ आए, आपको मालूम होगा हम कोलिशन में थे तब भी जो है इस बात पे हमारी टकराव भी होता था, लेकिन हमने तीन और कानून बनाए थे। जो पत्रकार बंधु पीछे बैठे हैं जरा खामोद के लिए, जो कानून में तरमीम करके हमने कहा कि जो 73rd और 74th में लिखा है कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, वो जम्मू कश्मीर पंचायत राज कानून में वो कानून लाया गया। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का मतलब कि हाई कोर्ट जज रिटायर या उस लेवल का एक शख्स जो है वो सरकार के दबाव के बाहर होगा, जो कि तमाम पंचायत का और अर्बन बॉडीज का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिलिमिटेशन हदबंदी से लेकर के चुनाव तक सबकी सुपरिटेंडेंस कंट्रोल करेगा। लेकिन उस कानून को BJP और PDP की सरकार ने और गवर्नर रूल में अमेंड करके उसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही रख दिया गया। हालांकि 73rd में लिखा है कि अगर कोई IAS अधिकारी उसको हेड करेगा, जिस दिन वो अपॉइंट होगा उसी दिन रिटायर हो जाएगा, लेकिन ये सरकार के अधीन ही एक अफसर जो है उसको पावर दे दी है। इसलिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान इन्होंने लागू नहीं किया, उसको कमजोर किया BJP और PDP के सरकार के द्वारा। उसके बाद फाइनेंस कमीशन के, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को पैसा कहाँ से मिलेगा के लिए एक रिकमेंडेशन देगा कि सरकार की आमदनी का कितना परसेंट पंचायत को और अर्बन बॉडीज को जाएगा।
लेकिन वो एक्ट जहां बना हुआ है उस एक्ट के तहत फाइनेंस कमीशन नहीं बना। छह साल, साढ़े छह साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र भी, जम्मू कश्मीर भी, और जम्मू कश्मीर में अभी भी सेक्टर चला रहा है, वो भी नहीं बना। तीसरा था ओम्बड्समैन, वो भी एंटी करप्शन एक अपेक्स बॉडी है कि आप पैसा तो देते हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी हिसाब कौन रखेगा। वो भी हाई कोर्ट जज या उसके बराबर का एक इंडिपेंडेंट कमीशन होगा जो कि कोई शिकायत होगी कौन के बारे में सुना। ये चीजें तो की नहीं, उल्टा जो है वो बीजेपी पीडीपी की सरकार में सरपंच को कहा गया था कि इंडायरेक्ट चुनाव होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब जब बीडीसी के चुनाव हो गए, एक्ट में था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, उसमें बीडीसी के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन एरिया कमेटी, जिनको म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी, इन दोनों के चुने हुए लोग जो लोग पंचों सरपंचों द्वारा और उनके द्वारा चुने गए हैं, उनको अधिकार था कि वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन के लिए और वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, वोट भी उनके होंगे। लेकिन उसके साथ अगर इलाके का एक एमपी है वो उस बोर्ड का मेंबर है, एमएलए एमएलसी मेंबर है, और बाकी ये पंचायतों के चेयरमैन जो मेंबर वो थे, और उन्हीं की मेजॉरिटी से वहां पे चेयरमैन चुना जाना था। और आपने दो साल पहले जब चुनाव कराए, हालात इतने खराब थे कि दो दर्जन के करीब हमारे पंचायत के नुमाइंदे और पॉलिटिकल वर्कर जो हैं उन्होंने शहादत दी, वो जोखिम लेकर के चुनाव लड़े। उसके बाद हालात खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने चेयरमैन के चुनाव कराए और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन चुने गए। वो इस मकसद से चुने गए कि इन्होंने कल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनना है या चुनना है, उन्हीं में से चुनना था। वाइस चेयरमैन भी बनने थे बीडीसी में, एक साल में आप वो एक महीने के अंदर बनने चाहिए थे, लेकिन आपने एक साल में वाइस चेयरमैन नहीं बना सके। लेकिन अब यकाजक ये कानून भी रातों रात बदला जाता है, किसी को मशवरा नहीं होता, इलेक्शन अथॉरिटी को पता नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, और आपने 3 दिन दे दिए और आपने कहा कि एक डायरेक्ट इलेक्शन होंगे एमएलए की तरह, और बीडीसी चेयरमैन और म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन के अधिकार खत्म कर दिए। वो बोर्ड के नॉमिनल मेंबर होंगे, वो ना चेयरमैन बन सकते हैं ना उन वोट डाल सकते हैं। जिन लोगों ने इस ख्वाब से रिस्क लेकर के अपने परिवारों को, अपने आप को इस हालात में जमहूरियत का साथ दिया, सरकार का साथ दिया, आज वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आज उनके अधिकार खत्म, अब नए इलेक्शन आप करेंगे और उनसे चेयरमैन बनेगा, वो चेयरमैन बनाएंगे उनमें।